हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेंगे। इन टाइम में थोड़ा सा ये टाइम निकल जाए, बस यही दुआ करते हैं भगवान से। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कैपिस्टेंस चैप्टर 4 बेटा, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। हम जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने कर लिया था। अब जो हम करेंगे कैपिस्टेंस के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल हमारा फर्स्ट है, ये आ रहा है 3 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैराड। 3 कैपेसिटर आप लोगों के पास, ठीक है? और प्रत्येक की कैपेसिटी है वो 9 पिको फैराड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज के अंदर जोड़े हुए हैं। तो हमने सबसे पहले देखी व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस कितनी आएगी। मान लो मेरे पास ये 3 कैपेसिटर है, ये 3 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ रखा है, ठीक है? ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है? कैपेसिटर C1, ये C2 और ये C3 किसमें जोड़ रखा है, ये आपके सीरीज में जोड़ रखे हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने प्रीवियस जो हमारे वीडियो है उसके अंदर हमने करवा रखे हैं। अगर आप लोगों ने ये देखा नहीं है वीडियो तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास जो है इसका भी 9 पिको फैराड, इसका 9 पिको फैराड कैपेसिटेंस, इसकी 9 पिको फैराड कैपेसिटेंस, मतलब सभी की जो कैपेसिटेंस है वो 9 पिको फैराड है, ठीक है? इसी का इस कैपेसिटेंस हो 9 पिको फैराड। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए, पहले का आंसर निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है? सॉल्यूशन नंबर एक का हम कर रहे हैं, ठीक है? इसमें क्या आएगा हमारे पास कॉम्बिनेशन के लिए, 1/CS, क्योंकि सीरीज में हम पढ़ेंगे 1/C1 प्लस का 1/C2 प्लस का 1/C3। तो हमारे पास 1/CS, CS की वैल्यू कितनी है भाई, 1/9 प्लस का 1/9 प्लस का 1/9, ठीक है? तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1/CS इज इक्वल आ जाएगा, एलसीएम 9 आ गया, 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 3/9, और हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1/3। अब हम देखेंगे इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यानी 3 पिको फैराड, तो इसका आंसर आया हमारे पास 3 पिको फैराड, एक का आंसर 3 पिको फैराड है। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे पोटेंशियल है वो क्या हो रही है, V1 V2 और V3 पोटेंशियल है वो डिवाइड हो रही है, नेट पोटेंशियल क्या हो रही है डिवाइड। और टोटल पोटेंशियल यहाँ से और यहाँ तक की जो टोटल पोटेंशियल हो दे रखी है 120 वोल्ट, कितनी दे रखी है 120 वोल्ट। तो बी का जो आंसर हमारे पास आएगा, जो हमारे पास बी है, बी का जो आंसर आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपेसिटेंस, इज कैपेसिटेंस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो डिवाइड कर देंगे 3 से, टोटल पोटेंशियल 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास जो नेट है ना कैपेसिटेंस सभी के अंदर इक्वल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगी इक्वल होगी, तो ये आ जाएगा 120/3, ये आ जाएगा आप लोग पास 40 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा प्रत्येक के अंदर। इसके अंदर 40, इसका वैल्यू 40, इसकी वैल्यू 40 और इसकी वैल्यू 40, तो आप इनको जोड़ोगे तो 120 वोल्ट ही आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है? ये हमारे पास न्यूमेरिकल क्या था, फर्स्ट था। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे एनसीईआरटी का, 3 कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस, 3 कैपेसिटर आप लोग पास, उनकी कैपेसिटेंस देखिए 2 पिको फैराड, 3 पिको फैराड और 4 पिको फैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, इससे पहले वाले को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा था, इसको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, सबसे पहले तो हमारे पास जो ए है पार्ट उसका कॉम्बिनेशन में क्या निकालना है भाई, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमने अब देखो, अब जो कैपेसिटेंस जोड़ रखे हैं वो इस प्रकार जोड़ रखे हैं, ये हमारे पास मान एक है, ठीक है? ये दूसरा और ये तीसरा, 3 कैपेसिटर इस प्रकार से जोड़ रखे हैं, ठीक है? 3 कैपेसिटर इस प्रकार से कॉम्बिनेशन में जोड़े हैं, ये इस प्रकार से, ठीक? अब इसमें देखिए, ये आपके पॉइंट ए पॉइंट है और ये आपके पास बी पॉइंट है, इसमें पोटेंशियल नेट सेम है, वी कॉन्स्टेंट सेम रहेगा, इसके अंदर चार्ज, इसके अंदर चार्ज Q1 है, इसके अंदर चार्ज, ये मान लिया चार्ज Q1, इसके अंदर चार्ज Q2 और इसके अंदर चार्ज Q3, ठीक है? अब इसकी कैपेसिटी है वो 2 पिको फैराड, इसकी है वो है 3 पिको फैराड और इसकी है वो 4 पिको फैराड, ठीक है? और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमें पता है सीपी, सीपी इज इक्वल टू होगा C1 प्लस का C2 प्लस का C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके, डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास आएगा सी, जो आपके पास क्या रहेगा सीपी इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा, ये आपके पास 2 पिको फैराड प्लस का
थ्री पिको फेराड और प्लस का 4 पिको फेराड, आप इनको जोड़ लीजिएगा तो ये आपके पास आया 7 और 2 9, ये 9 पिको फेराड आपके पास आंसर आ गया। पहले कॉम्बिनेशन में कितना आया 9 पिको फेराड, ठीक है 2, 3 और 4 ही दे रखा है तो 9 पिको फेराड आपके पास ये आंसर आ जाएगा 9 पिको फेराड, ठीक है। ये आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अब सेकंड पार्ट इसमें क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट में इसने क्या रखा है कि डिटरमाइन, देखो ये फर्स्ट पार्ट 9 पिको फेराड आ गया, अब बी पार्ट को देखेंगे हम तो इसमें क्या रखा है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना Q1 Q2 Q3 ये निकालने हमें, ठीक है। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, अभी भी है इसकी वैल्यू दे रखी है यहां पे 100 वोल्ट किसी दे रखी है 100 वोल्ट दे रखी है, ठीक है तो 100 वोल्ट दे रखी है तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट Q1 की बात करेंगे तो C1V क्यूब इक्वल क्या होता है CV, तो फर्स्ट के लिए चार्ज अलग अलग रहेगा और कैपेसिटेंस अलग है, और यहाँ पे क्या भाई यहाँ पे कॉम्बिनेशन के अंदर आपकी जो सप्लाई है आपके पास कॉम्बिनेशन के अंदर जो सप्लाई है वो आपके पास कितनी है वोल्टेज सप्लाई 100 वोल्ट है, ठीक है। तो देखिए C1 की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 2 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई भाई ये वोल्टेज कितनी है 100, ठीक है। तो हम चार्ज है ना वो उसको किसमें ले लेंगे, इसमें पिको कूलाम जो चार्ज आप लोग पास उसको हम किसमें पिको कूलाम में ले लेंगे बेटा, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इसको 1 पिको फेराड होता है ना वो इक्वल होता है 10 टू पावर माइनस 12 फेराड, 1 पिको फेराड इज इक्वल 10 टू पावर माइनस 12 फेराड होते हैं, ठीक है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इससे अच्छा ये रहेगा कि हम इसको किसमें ले लें पिको कूलाम में, हमारे पास आएगा 200 पिको कूलाम, तो हमारे पास ये आंसर क्या आएगा 200 पिको कूलाम, ठीक है। सेकंड Q2 निकालना है चार सेकंड कैपेसिटेंस ऊपर कितना रहेगा तो इसमें 3 यहाँ पे लिए C2V वैल्यू 3 × 100 पोटेंशियल सेम रहेगा 300 पिको कूलाम, और Q3 रहेगा वो आप लोग पास कितना रहेगा बेटा Q3 रहेगा तो C3V इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 4 × 100 इज इक्वल टू 400 पिको कूलाम, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, सो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, एयर के अंदर रखा हुआ है, ईच प्लेट हैज एरिया दे रखा है इसका, प्रत्येक प्लेट का एरिया दे रखा है 6 × 10⁻³ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm, यहां पे देखिए डिस्टेंस दे रखी 3 mm मिलीमीटर के अंदर दे रखी है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ द कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, जब कैपेसिटेंस कितनी वोल्टेज सप्लाई से जोड़ रखा है 100 वोल्ट सप्लाई से, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, और हमें प्रत्येक प्लेट के ऊपर कितना चार्ज आएगा वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है देखिए सबसे पहले इसमें दे रखा है क्या एरिया को हम एक से प्रेजेंट करेंगे एरिया ऑफ द प्लेट्स, ठीक है, सारी इसमें टर्म्स की जरूरत नहीं है, हम एरिया को एक से प्रेजेंट कर रहे हैं तो एरिया इज द प्लेट इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है, मीटर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आता है हमारे पास ये क्या है इसके अंदर कैलकुलेट द इसमें डिस्टेंस ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस डी ले लिया हमने, डी हमारे पास आएगा 3 mm और 3 mm को चेंज करेंगे 3 × 10⁻³ के अंदर, क्योंकि 1 mm में 10⁻³ होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। इसके बाद हमारे पास आएगा कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, हमने कैलकुलेट करना है इफ द पोटेंशियल, अब पोटेंशियल दे रखा है इसमें 100 वोल्ट, ठीक है, और निकालना क्या है, निकालना हमें सी और यहाँ पे क्यू, चार्ज निकालना है और कैपेसिटेंस टोटल कैपेसिटेंस निकालनी इसके अंदर क्योंकि एयर के अंदर रख रखा है, ठीक है। तो वी नो दैट वी हैव, हम जानते हैं ये बात, तो क्या आएगा सी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पता है आप लोगों को ये डेरिवेशन करवाया था आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप आएगा एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻², मल्टीप्लाई एरिया, एरिया ये है आपके पास 6 × 10⁻³ डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 3 × 10⁻³, 10⁻³ कट जाएगी 3 × 2 = 6, इसको आप सोल्व कीजिएगा तो सी नोट की वैल्यू आएगी 5 × 10 और 8 × 16 = 17 और 8 × 16 = 17 17.70 × 10⁻², और इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ रखेंगे तो यह आएगा 10⁻², और ये आपके पास कैपेसिटेंस किसमें आया फेराड के अंदर, किसमें आया ये फेराड के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया कैपेसिटेंस, तो कॉम्बिनेशन की टोटल यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की,
अब हमें निकालने क्या है, हमें निकालने चार्ज, इसमें कितना चार्ज आएगा, जो चार्ज हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ज क्यू, क्यू इज इक्वल टू होता है सी नॉट वी, क्यू इज इक्वल टू होता है सेकंड पार्ट है ये, इसमें ये फर्स्ट पार्ट था आपका फर्स्ट पार्ट, तो सी नॉट वी, सी नॉट की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने 1.77 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 11, और वी आपके पास दे रखा है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट दे रखा है, सीधी सी बात है 10 टू पावर 2, यहां पे देखो 1.77 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2 पॉजिटिव है और 11 आपके पास नेगेटिव है, तो 9 आ जाएगा और कूलम में आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये आया 1.77 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 9 कूलम। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि हमें डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, हम डेरिवेशन के बेस पे हमारे पास फॉर्मूले आए, फॉर्मूले के बेस पे हमने इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. 12 picofarad का capacitor है, 50 volt battery से connect है. How much electrostatic energy stored in the capacitor? कितनी energy stored होगी? तो हमारे पास given that देख रहे हैं, देखिए given that में हमारे पास देख रहा है भाई, यहाँ पे कितना capacitance given देख रहे हैं 12 picofarad. Picofarad को हम convert करेंगे, मैंने पहले बताया था 12 multiply 10 to power minus का 12 farad. ठीक है, क्या आ गया। उसके बाद वोल्टेज दे रखी है आपके पास 50 वोल्ट। अब फॉर्मूला है हमारे पास एनर्जी स्टोर का, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी, सी हमारे पास कितना है 12 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 12 और यहाँ 50 का स्क्वायर, 50 का क्या होगा स्क्वायर, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 6 ये आ जाएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाई ये आपके पास आएगा ये 50 और 50 25 और 0 0 ठीक है 50 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई 25 0 0 तो ये आ गया हमारे पास और 1600 सोल्व करेंगे तो 10 टू पावर 2 तो हमारे पास ऑलरेडी ये रहेंगी इसको 25 को हम 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 10 क्योंकि 2 0 को मैंने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया तो क्या आ गया 10 टू पावर माइनस का 10 ठीक है। तो ये आया 150 और 10 टू पावर 10 टू डेसिमल्स को हम और लेंगे इसके अंदर से, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा चेंजमेंट करना है, ये 150 है तो दशमलव यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 8 जूल एनर्जी आ जाएगी, का एनर्जी स्टोर हमारे पास होगी किसी भी कैपेसिटर के अंदर वो 1.5 10 टू पावर माइनस 8 होगी, इसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन दे रखी हो तो, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर, तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप इसे पीछे वाले वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज ये आप लोगों ने देखा।